हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैरेमल कस्टर्ड। सो कैरेमल कस्टर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक कप कंडेंस मिल्क, एक टीस्पून वैनिला एसेंस, दो कप दूध और तीन अंडे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेमल कस्टर्ड। कैरेमल कस्टर्ड बनाना बहुत ही आसान है। अभी हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ये मिक्सर में मिक्स करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कप कंडेंस मिल्क, एक टीस्पून वैनिला एसेंस, दो कप दूध और तीन अंडे। अभी हमें ये सारा मिक्सर में मिक्स करना है। और हमारा मिक्सचर रेडी है। अभी हमें ये मिक्सचर 5 मिनट्स के लिए बॉईल करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। सो चलिए बॉईल करते हैं। अभी हमें ये मिक्सचर को 2-5 मिनट्स कंटिन्यूअस स्टर करना है। बस अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ। अभी हमें इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करना है ताकि जो भी लम्स है वो निकल जाए। अभी हम स्टार्ट करते हैं कैरेमल बनाने को। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग कैरेमल। अभी मैंने गैस ऑन किया है। इसमें मैं डालूंगी 4-5 टेबलस्पून ऑफ शुगर। हमें इसे बिल्कुल टच नहीं करना है, ये अपने आप मेल्ट होगी। आप देख सकते हैं। ये भी मेल्ट हो रही है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। सारी शुगर मेल्ट हो चुकी है एंड वी हैव गॉट द राइट कैरेमल। अभी हम इसे पोर करेंगे। एक 5 मिनट्स के बाद आप देखेंगे ये पूरा जम गया है, कैरेमल सेट हो गया है। अभी इसमें हम हमारा ये मिक्सचर पोर करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुकर लिया है और इसमें मैंने ये स्टैंड रखा है। इसकी जगह पे आप स्टीमर भी यूज कर सकते हैं। अभी इसमें मैं एक प्लेट डालूंगी। और मेरा कैरेमल कस्टर्ड यहाँ पे स्टीम करने के लिए रख दूंगी फॉर 20-25 मिनट्स। मैंने कुकर की सीटी निकाल दी है। अभी मैं इसको ओपन करूंगी 20 मिनट्स के बाद। अभी 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा कैरेमल कस्टर्ड कैसे बना है। डीमोल्ड करने से पहले हम देख ले ये अच्छे से पका है या नहीं। उसके लिए
मैं ये नाइफ अंदर डाल रही हूँ और ये क्लीन बाहर आ गई है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अभी इसे हम ठंडा होने देते हैं और फिर डीमोल्ड कर देंगे। अभी ये फिलहाल बहुत गर्म है, इसे हम ठंडा करने देते हैं और फिर इसे रेफ्रिजरेट करेंगे आधे घंटे के लिए और फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। अभी ये कैरमल कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है, अभी मैं आपको बताऊंगी इसे डीमोल्ड कैसे करते हैं। पहले हम नाइफ से सारे एजेस लूज करेंगे, ये प्लेट और आप देख सकते हैं हमारा कैरेमल कस्टर्ड रेडी। बचा हुआ कैरमल है मैं इसमें पोर कर दूंगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी कैरमल। और आपका कैरमल कस्टर्ड खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।